संघ के स्वयंसेवकों ने 2 अगस्त 1954 की सुबह पुर्तगाल का झंडा उतारकर भारत का तिरंगा फहराया। पूरा दादरा नगर हवेली पुर्तगालियों के कब्जे से मुक्त कराकर भारत सरकार को सौंप दिया। गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन एवं दीव पुर्तगाल के अधीन थे। कांग्रेस सरकार ने जमीन की मुक्ति का कोई प्रयास नहीं किया तो 1954 में स्वयंसेवकों ने संघ के प्रचारक राजा भाव वाकणकर के नेतृत्व में यह बीड़ा उठाया। साधनों के लिए काफी धन की आवश्यकता थी तो यह दायित्व सुधीर फड़के जी को सौंप दिया गया। संघ के वरिष्ठ अधिकारियों से आशीर्वाद प्राप्त कर दल को मुक्ति वाहिनी नाम दिया गया। 31 जुलाई की तूफानी रात में सभी स्वयंसेवक पुणे रेलवे स्टेशन पर एकत्र हुए और वहां से टुकड़ियों में बंटकर 1 अगस्त को मूसलाधार वर्षा में मुंबई होते हुए दादरा नगर हवेली स्थित सिलवासा पहुंच गए। योजना अनुसार एक निश्चित समय पर स्वयंसेवकों ने हमला बोल दिया और पुलिस थाना, न्यायालय, जेल आदि को मुक्त करा लिया। पुर्तगाली सैनिकों ने जब यह माहौल देखा तो डर कर हथियार डाल दिए। संघ के अनुशासन तथा अदम्य साहस का ही प्रमाण था कि केवल 100 स्वयंसेवकों ने एक ही रात में इस क्षेत्र को पूर्णतः स्वतंत्र करा लिया। 2 अगस्त 1954 की सुबह जब सूर्योदय हुआ तो शासकीय भवन पर तिरंगा गर्व से फहरा उठा। इस ध्येय को पूरा करने में अन्य स्वयंसेवकों के साथ ही सर्वश्री बाबूराव भिड़े, विनायक राव आप्टे, बाबा साहब पुरंदरे, डॉक्टर श्रीधर गुप्ते, बिंदु माधव जोशी, मेजर प्रभाकर कुलकर्णी, श्री कृष्ण भिड़े, नाना काजरेकर, त्रियंबक भट्ट, विष्णु भोसले, श्रीमती ललिता फड़के व श्रीमती हेमवती नाटेकर आदि की प्रमुख भूमिका रही।